ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। दिल्ली सरकार की मंत्री और आप नेता आतिशी ने जल भराव को लेकर दिए बयान में कहा कि दो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। पहला, जो नाले उस क्षेत्र में जल भराव के लिए जिम्मेदार थे उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था। दूसरी वजह से नाले में पानी नहीं निकल पाया रहा था। दूसरा, बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी वह शत प्रतिशत गैर कानूनी था। बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की है। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही MCD ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।